इस तरह की रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। आप हमारे Facebook के पेज को लाइक कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट www.radiodwarka.com पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहल सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने कल 25 दिसंबर को क्रिसमस के अवसर पर रामलीला ग्राउंड कुतुब विहार में करीब हजारों लोगों को पहनने के कपड़े डिस्ट्रीब्यूट किए, जिसमें कि हर उम्र के लोग शामिल थे। इसमें 30 ऐसे लोग थे जो 75 ईयर ओल्ड थे, जिनको कपड़ों के साथ साथ कंबल दिए गए। नित्यानंदिनी, वन ऑफ इट्स काइंड ऑथेंटिक केरला आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर इन द्वारका। आयुर्वेदिक डॉक्टर इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन। एक्सपीरियंस द हीलिंग। स्टैंड एंड स्ट्राइड एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो मुख्यतः बच्चों के एजुकेशन के लिए काम करती है। अमराही पार्क द्वारका सेक्टर 19 में स्टैंड एंड स्ट्राइड ने बच्चों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करते हुए उनको गिफ्ट दिए और उनके साथ क्रिसमस कैरोल भी गाए। इस मौके पर बच्चे बहुत खुश और उत्साहित थे। मुक्ता डांस एंड फिटनेस एकेडमी ने गोकुल गार्डन द्वारका सेक्टर 7 में एक पावर मूव फिटनेस पार्टी ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें एरोबिक डांस, स्टेपर्स, टीओए, टोटल आउटडोर एथलीट्स, योगा और भी बहुत कुछ इस पावर मूव फिटनेस पार्टी में था। इस कार्यक्रम की ऑर्गेनाइजर मुक्ता सक्सेना का मानना है कि एक स्वस्थ महिला ही एक स्वस्थ परिवार की नींव होती है, इसलिए सबसे पहले महिलाओं को स्वस्थ बनना होगा, तभी हमारा इंडिया सही मायने में फिट होगा। सूरज की नारंगी किरणें जैसे ही द्वारका में पड़ती हैं, परमार्थी की टीम उसको सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए निकल पड़ती है। आइए इस प्रयत्न में कुछ कदम आप भी साथ चलें, परमार्थी प्रहरी बने। कल 25 दिसंबर को एम्पावरिंग ह्यूमैनिटी संस्था ने द्वारका सेक्टर 3 मटियाला स्लम एरिया में जाकर सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट किया तथा इसके लिए महिलाओं और लड़कियों को जागरूक किया। साथ में बच्चों को कुकीज और बिस्किट भी दिए और वहां पर उपस्थित जरूरतमंद बुजुर्ग लोगों को कंबल दिए गए। छोटी सी खुशी संस्था ने द्वारका सेक्टर 3 बालाजी पार्क में बच्चों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया। इस मौके पर बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी मौजूद थे। छोटी सी खुशी संस्था की तरफ से अलग अलग कई प्रकार के गेम कंपटीशन भी रखे गए थे, जिसमें सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इस अवसर पर द्वारका डिस्ट्रिक्ट पुलिस के ASP राजेंद्र सिंह वहां उपस्थित थे, जिन्होंने गेम्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए बच्चों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया और उनको गिफ्ट भी दिए तथा बच्चों से बात करते हुए उनके अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं दी। आप लोग हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं, सुनते हैं, जिससे कि हमारा उत्साह बढ़ता है। इसी तरह सुनते रहें और देखते रहें रेडियो द्वारका, एक कदम कल की ओर।